शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक हैमलेट की ये पंक्तियाँ तो आपने सुनी ही होंगी। टू बी और नॉट टू बी, अस्तित्व की खोज में हमें एक विरोधाभासी सत्य का सामना करना पड़ता है। होने का तरीका है ना होना। इसलिए प्रश्न होना या ना होना नहीं है, यदि तुम वास्तव में होना चाहते हो तो तुम्हें ना होना सीखना होगा। यदि तुम अस्तित्व को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें अपने अस्तित्व को मिटाना होगा। तुम्हारी कब्र में खिलता है प्रभु का फूल। सच्चे अस्तित्व की प्राप्ति के लिए हमें अपने आप को, अपनी इच्छाओं, अपनी आकांक्षाओं और अपनी सभी पहचानों को छोड़ देना होगा। जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से खाली कर देते हैं, तब जाकर अस्तित्व की वास्तविकता हमारे भीतर प्रवेश कर सकती है। ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन अत्यंत शक्तिशाली प्रक्रिया है। ना होने की इस अवस्था में हम अपने भीतर एक शून्य स्थान बनाते हैं, एक खालीपन जो अस्तित्व की असीम संभावनाओं को आकर्षित करता है। ये शून्यता ही है जो हमें पूर्णता की ओर ले जाती है। इसे समझने के लिए एक पात्र की कल्पना कीजिए जो पूर्णता भरा हुआ है। जब तक वह पात्र भरा रहेगा, उसमें और कुछ भी नहीं डाला जा सकता। परंतु जब हम उसे खाली कर देते हैं, तब जाकर ही उसमें नया ज्ञान, नई समझ और नई अनुभूतियाँ आ सकती हैं। इस दृष्टिकोण से ना होना अपने आप में एक गहन होने की और एक कदम है। लेकिन यही विरोधाभास अस्तित्व की गहराइयों में हमारी मार्गदर्शिका है। इस ना होने में हम एक ऐसी यात्रा पर निकल सकते हैं जो हमें अपने सच्चे स्वरूप में परिचय कराए। एक ऐसा स्वरूप जो ना होने में ही होने की सच्चाई का अनुभव करता है। जीवन के इस अनूठे मार्ग पर चलते हुए आइए हम सभी ना होकर भी होने की इस यात्रा को आलिंगन करें। प्रणाम।